कहते हैं कि क्रोध में उत्तर मत दो, आनंद खुशी में वचन मत दो और दुख में निर्णय मत लो। क्रोध तो खैर अहिल्या को आता ही नहीं, तो क्रोध में उत्तर देने की बात है ही नहीं। और आनंद व खुशी में वो एक वचन और दे चुकी है, अपनी सासूबाई को। जी हाँ, और अब वो उससे थोड़ा पहले असाधारण साहस के साथ गंभीरतापूर्वक अपने ससुर मल्हार राव को भी एक वचन दे चुकी है। और एक वचन उसने अपने परिवार का निर्णय मानते हुए, भगवान शिव की आज्ञा मानते हुए खंडे राव से शादी के दौरान दिया था, फेरों के वक्त। अब बात यह कि वो तीन वचन दे चुकी है, तीन लोगों को वचन दे चुकी है, यदि फेरों को भी एक वचन माने तो। अब दो का निर्वहन तो वो कर लेगी, आसानी से नहीं मगर कर लेगी। जो उसने उत्साह में आकर के अपने ससुर को जो वचन दिया, उसका निर्वहन है मुश्किल, मगर वो कर लेगी। वो जनता के सामने एक मिसाल बनकर ही उभरेगी। बेशक तमाम पुरुष जो भी हैं जनता में, सब नारी शिक्षा के खिलाफ हैं, फिलहाल वो बहुत खिलाफ हैं। अहिल्या को, और न सिर्फ अहिल्या को बल्कि खंडेराव के पिता राजा मल्हार राव को भी उनका विरोध सहना पड़ेगा। मगर मुझे नहीं लगता कि वो पीछे हटेगी और ना ही मल्हार राव पीछे हटेंगे। तो यहाँ बात ये आती है कि दो वचनों का तो वो पालन कर लेगी जैसे तैसे, और बड़े अच्छे से करेगी वैसे। लेकिन बात आती है जो उसने तीसरा वचन अब दिया है। जी हाँ, अहिल्या की सासू बाई मिठाई लेकर आई उसके पास और उसे खारे आंसुओं के समंदर में छोड़ रही है। कैसे? उन्होंने कहा कि खंडे राव का दिल जीतना है। अब खंडे राव का दिल कैसे जीतेगी? एक कहावत हम लोग सुनते हैं अक्सर, दूसरे सीरियल्स में हम लोग सुनते भी हैं कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर के जाता है। माना कि कुछ समय पहले खंडे राव ने कुछ खाने की, और वो भी अहिल्या के हाथ से खाने की, उसके बनाए हुए खाने की तारीफ की थी, और उसे इच्छा जताई थी कि देखना अब ये है कि क्या वो इन तीनों वचनों को पूरा कर पाएगी और क्या क्या मुश्किलें उसके सामने आएंगी। और सासूबाई ने जो कहा कि तुम्हारी जिद थी पढ़ाई घर में करने की, तो ये उसकी जिद और उसका जो ये सासूबाई को दिया गया वचन है, उसे कितनी पीड़ा देगा। जो मैंने कहा कि दुख में निर्णय नहीं लेना चाहिए, तो अब अपार दुख में घिर जाएगी अहिल्या, और अब वो क्या निर्णय लेगी? आपको क्या लगता है उसका फैसला क्या होगा? क्या वो जनता के तमाम लोगों के और गुरुजी के कहने पर कि वो नारी शिक्षा के खिलाफ हैं, वो लोग सब ये अधर्म है, और धर्म को मानने वाली, धर्म का पालन करने वाली, वो सासूबाई को दिए वचन को पूरा करने के लिए और खंडे राव के मन में जगह बनाने के लिए, जो कि शिक्षा से कदम पीछे हटाने पर ही मिल सकती है, वो ऐसा करेगी?